सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वरुण, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वरुण आर्ट। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पिछला वीडियो था, जो कि मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, पिछला वीडियो जो कि मिर्जापुर, जिन्होंने देखा होगा मिर्जापुर फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन, तो उसमें जो सबके चेहरे मतलब सबके फेवरेट मुन्ना भैया, जिनका ऑफिशियल नेम दिव्येंदु शर्मा है, तो उनकी मैंने उनका वाटर कलर पोर्ट्रेट बनाया था। तो उसको मतलब अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका मैंने इंटरव्यू अपलोड किया था पिछला वीडियो, तो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए फटाफट आई बटन पर क्लिक कीजिए और जाके उस वीडियो को देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब उनका जब इस पेंटिंग को मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मतलब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब पोस्ट किया, तो मैंने दिव्येंदु शर्मा मतलब मुन्ना भैया को टैग किया था और स्टोरी में भी उनको टैग किया मैंने। तो उन्होंने फाइनली लास्ट लगभग रात को 12 बजे मतलब जब मैंने पोस्ट करने के बाद रात को 12 बजे उन्होंने देखा उस पोस्ट को, तो फाइनली ये बात अच्छी लगी, उन्होंने अपने स्टोरी पे लगाया, जिससे मुझे मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने देखा उसको अपने स्टोरी पे लगाया, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही लगभग। तो बाद में ये भी हुआ कि मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़े, थोड़े मतलब 50-60 समथिंग फॉलोअर्स बढ़े, फिर जो इसकी लाइक मतलब जो गई थी इस पोस्ट पे वो अराउंड लगभग 1850 के आसपास मतलब लाइक गई थी, अभी मतलब 1900 होने वाली है अभी शायद। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे बहुत से दोस्त लोगों ने मतलब स्टोरी पे लगाया, तो सब लोगों ने मतलब बहुत ही बधाई दिया कि मुन्ना भैया ने देखा मेरे पोस्ट को, मतलब पेंटिंग को देखा, शेयर किया, लाइक किया। तो गाइस आपको मैं पोर्ट्रेट एक बार दिखा देता हूँ कि मतलब कैसा बनाया था मैंने। तो इस पोर्ट्रेट को आप देख सकते हैं कि मतलब ये है वो पोर्ट्रेट मुन्ना भैया का, मतलब आपको जो भी पसंद आया अभी आप बराबर देख सकते हैं, आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ क्लोजअप में, तो देखिए आप इसको एक बार फिर से। तो इसका वीडियो अगर आप इंटरव्यू वीडियो आप जाइए जरूर देखिए, आई बटन पे क्लिक करके, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो गाइस इस वीडियो में आपके लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में इस पोर्ट्रेट की मतलब फुल कंप्लीट फेस की जो फुल डिटेल वीडियो है, मतलब इसके फेस की सिर्फ फुल डिटेल कंप्लीट वीडियो है, मतलब कि मैंने क्या प्रोसेस यूज किया है, मतलब इसको किस तरह से मैंने बनाया है, तो जिससे जितना मुझसे हो सके मैं उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस इसके फेस की फुल डिटेल वीडियो जो रहेगी उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो था, तो इसके 3 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सो तीनों पार्ट अभी जो फर्स्ट पार्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइस लेट्स सी। सो गाइस इस पेंटिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो मैंने पेपर यूज़ किया वो हैंडमेड पेपर यूज़ किया, जो कि नॉर्मली करता हूँ मैं पोर्ट्रेट के लिए, पोर्ट्रेट भी ज़्यादातर मतलब अच्छा हैंडमेड पेपर ही रहते हैं। और जो कलर मैंने यूज़ किया वो नॉर्मली हमेशा की तरफ से कैमल का आर्टिस्ट वाटर कलर ट्यूब ही यूज़ किया है, और ब्रश में मैंने वही ब्रशों का मॉप ब्रश यूज़ किया जो कि मैंने मंगाया था, तो उसको मैं अभी नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ किसी पोर्ट्रेट में। तो कलर स्टार्ट करने से पहले मैंने पेपर को पूरा वेट कर लिया था, मतलब एक वॉश दे दिया था कंप्लीट वाटर का, पानी का, तो अब वो ड्राई हो चुका था। तो चलिए अब कलर को शुरू करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्किन टोन पहले से मैंने रेडी करके रखा है, कि जो इस पोर्ट्रेट में लगने वाला है जो है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे लाइट टोन है वो नेपल येलो का है, जिसका मैं सबसे पहले एक वॉश दूंगा, जो कि पूरा मतलब बहुत ही वाटरी रहेगा, मतलब बहुत ही पतला रहेगा, थिकनेस नहीं रहेगी कलर में, वाटर ज़्यादा रहेगा। तो एक फर्स्ट लेयर दूंगा नेपल येलो का, और जो उससे डार्क टोन है उसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज नेपल येलो है, मतलब ऑरेंज है नेपल येलो के साथ में थोड़ा सा, मतलब ऑरेंज टोन देने के लिए। फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जो फुल कॉम्बिनेशन इसके पोर्ट्रेट का उसमें ऑरेंज कलर यूज़ हुआ है, मतलब कि ऑरेंज टोन है, थोड़ा सा धूप जो आ रही है इसके फेस पे, पूरी मतलब धूप आ रही है, तो जहाँ पर लाइट टोन है वहाँ पर नेपल येलो है, नेपल येलो से फिर थोड़ा सा डार्क जो टोन जाएगा उसके साथ ऑरेंज आएगा, फिर उससे डार्क जो जाएगा ऑरेंज प्लस स्कारलेट उसके साथ मिक्स होगा थोड़ा सा, और फिर उससे जो डार्क जाएगा स्कारलेट ऑरेंज फिर थोड़ा सा बॉन्ड से ना मिक्स होगा, फिर जो थोड़ा येलो स्टोन जो आ रहा है नेपल येलो से डार्क वाला जो टोन आ रहा है येलो के टाइप का, मतलब धूप वाला, वो येलो ऑकर है, मतलब तो वहाँ पर येलो ऑकर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट वॉश दे रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट्स है वहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड करके वहाँ से कलर्स को रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने लाइट टू डार्क एक वॉश दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि इस साइड से लाइट आ रही पूरी की पूरी, मतलब लेफ़्ट साइड से पूरी लाइट आ रही है, सन लाइट आ रही है, तो वहाँ पर कलर जो है लाइट रहेगा पूरा का पूरा एक वॉश पूरा। पहले तो मैं मतलब कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, फर्स्ट एक पूरा वॉश रहेगा थोड़ा सा, मतलब डार्क लाइट इस हिसाब से, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर लाइट, जहाँ पर लाइट है
सो एक पूरा वॉश रहेगा अच्छे से। तो यहाँ पे आइस के यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखिए डार्क, आप कलर भी देख सकते हैं कि मैं ट्रे में जो रेडी करके रखा है मैंने ट्रे में वहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ और किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं। और रेफरेंस फोटो भी इसीलिए मैंने लगा कर रखा है कि वहाँ पे आप देखते रहे कि टोन किस है, मतलब किस साइड डार्क है, नाक के मतलब जो अपोजिट एरिया है सन लाइट के वहाँ पर डार्कनेस है पूरी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर मतलब फॉलो कीजिए आप भी जैसा मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक लग रहा हो तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वॉश अभी भी मतलब दे ही रहा हूँ अभी भी। तो यहाँ पे देखिए इस साइड थोड़ा सा डार्क एरिया है पूरा, मतलब सनलाइट वहाँ पे नहीं आ रही है तो डार्कनेस है वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या है कि नेपोलियन नहीं, वहाँ पे बॉन्शियना, स्कारलेट लेक और ऑरेंज स्टोन चलेगा वहाँ पे पूरा। और यहाँ पे नीचे तो वहाँ बियर्ड के यहाँ पे भी तो पूरी डार्कनेस आप रिसेंट फोटो में देख सकते हैं, पूरी डार्कनेस है वहाँ पे क्योंकि अंधेरा उस साइड, वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है तो वहाँ पे डार्कनेस है। तो बॉन्ड सेना मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लेयर है सिर्फ यहाँ पे अभी तो फर्स्ट लेयर के लिए है। फिर बियर्ड जो यहाँ पे जो हाँ यहाँ भी आप वॉश मतलब मूछ में भी देख सकते हैं कि जो हेयर्स है वहाँ पे डार्कनेस थोड़ी थोड़ी है, एक साइड से लाइट आ रही है एक साइड पूरा डार्कनेस है अंधेरा जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही है। तो अभी लिप्स में भी एक पूरा वॉश खाली हल्का सा, सब पहला पूरा कंप्लीट एक वॉश पूरा फर्स्ट लेयर खाली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो देख रहे हैं अभी भी मतलब एक साइड से पूरा लाइट है, नेपल येलो का टोन है, फिर एक साइड थोड़ा सा आपका बर्न शेना टोन है स्कारलेट लेक्स प्लस ऑरेंज के साथ में। तो अब नेक में भी फर्स्ट लेयर पूरा मतलब चलेगा, एक कंप्लीट वॉश चलेगा मतलब पूरा वाटर ही रहेगा, इसमें वाटर ज़्यादा यूज़ है, कलर की थिकनेस नहीं है, कलर बहुत ही मतलब पतला है। तो क्योंकि कलर थिकनेस आप बढ़ाएंगे तो बहुत ही डार्क हो जाएगा, वो पूरा ओपेक ओपेक चल जाएगा जो अगर आप कलर की थिकनेस पूरी पहले ही बढ़ा देंगे तो। तो यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ष आप फोटो में देख सकते हैं नेक के यहाँ पे भी पूरी एक एक्सट्रीम मतलब सनलाइट आ रही है एक साइड से, बहुत ही सफ़ेद है मतलब ऐसा लग रहा है, और पूरा अचानक से डार्क है जहाँ पे अंधेरा है मतलब नेक के नीचे राइट साइड में। सो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब मैं लेयर वाले कर रहा हूँ, तो जो फाइनल टोन आएगा वो तो लास्ट में ही दिखेगा आपको धीरे धीरे करते करते, यानी कि आप शुरू में आपको फाइनल टोन दिखने लग जाएगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट चल रहा है यहाँ पे, तो आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप वो डार्कनेस एरिया को भी मैं कर रहा हूँ जिसमें बॉन्ड शेना यूज़ किया मैंने और थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ बॉन्ड शेना। सो हाँ देखिए, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मतलब धूप नहीं है, सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है तो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे बॉन्ड शेना आप यूज़ करेंगे थोड़ा सा बॉन्ड शेना के साथ। और यहाँ पे मतलब ये ब्लैक नहीं यूज़ करना पहले बात तो फेस में कहीं भी, ये नहीं कि आपका बॉन्ड शेना थोड़ा सा लाइट दे रहा है टोन आपको डार्क करना और डार्कनेस है तो आप ब्लैक थोड़ा यूज़ कर लेंगे, ऐसा मत करिए, ब्लैक नहीं यूज़ मत यूज़ करिए फेस में। और देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे सनलाइट है तो यहाँ पे बहुत ही कलर लाइट रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टोन जो है कंप्लीट ड्राई हो चुका है, अब सेकंड वॉश देंगे यहाँ पे हम, मतलब सेकंड टोन देंगे अब स्टेप बाय स्टेप, सेकंड टोन दे रहा हूँ यहाँ पे मैं अब। तब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑरेंज प्लस येलो ऑकर यूज़ कर रहा हूँ, येलो ऑकर प्लस ऑरेंज देखिए, फिर जहाँ जहाँ लाइट चाहिए वहाँ पे मतलब आप पहले थोड़ा सा कलर दीजिए फिर उसको स्मच कीजिए, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा लाइट देना तो वाटर लेके आप थोड़ा स्मच कीजिए। अब पहली बात तो अभी कि ये वाटर कलर है मतलब ये जैसे ड्राई होते जा रहा है फिर इसमें और वाटर ऐड करेंगे तो पैचेस बनाते हो, फिर वो मतलब उसको ज़्यादा टच मत करिए, ज़्यादा मतलब वहाँ पे ब्रश मत रगड़िए, ज़्यादा वाटर मत यूज़ करिए टोन चढ़ाने के बाद में। तो धीरे धीरे लाइट टू डार्क कलर जा रहा है, धीरे धीरे सनलाइट आ रही है फिर धीरे धीरे नहीं पहुँच रही तो वहाँ पर टोन डार्क होते जा रहा है, वहाँ पर बॉन्ड शेना मतलब यूज़ होते जा रहा है। लाइट टोन में मैंने क्या क्या यूज़ किया कि नेपल येलो प्लस येलो ऑकर और थोड़ा सा ऑरेंज, वो भी वाटरी यानी कि पूरा मतलब डार्क थिकनेस है कलर में, मतलब कलर थिक नहीं है, वाटर वाटर टाइप का पतला कलर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज स्टोन दिख रहा है थोड़ा सा है मतलब हेड पे इधर पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट है थोड़ा फेस में लाइटनेस है। फिर आईब्रोज़ के जो एरिया होते हैं आईब्रोज़ के वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस होती है, आप देख सकते हैं रिफरेंस फोटो में वहाँ पर डार्कनेस है थोड़ा सा, तो वहाँ पे डार्क एरियाज के लिए बॉन्ड शेना थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा स्कारलेट लेक। फिर यहाँ भी देखिए धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है एरिया डार्क है, अभी यहाँ पे बॉन्ड शेना मैंने यूज़ किया
बर्न सियाना है, कंप्लीट बर्न सियाना नहीं है, बर्न सियाना के साथ थोड़ा सा मजेंटा एकदम हल्का सा यूज़ हुआ है, मतलब बहुत ही कम थोड़ा सा, और उसके साथ में थोड़ा सा माऊ भी यूज़ हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे सिर्फ, और उसके पहले का जो टोन है थोड़ा सा लाइट टोन है, यहाँ पे ऑरेंज प्लस बर्न सियाना फिर डार्क टोन फिर बर्न सियाना फिर बर्न सियाना से और डार्क, तो उसके अंदर माऊ प्लस मजेंटा। पहले तो आपको थोड़ा सा मतलब कलर्स पता होना चाहिए, आप रेफरेंस फ़ोटो देखिए, उससे नॉलेज लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से कलर टोन्स लगेंगे। ज़्यादातर मोस्टली तो येलो ऑकर, नेपल येलो, इसका बर्न सियाना, स्कारलेट लेक, ऑरेंज, यही सब टोन लगते हैं अधिकतर। फिर अब देखिए अभी अपोजिट साइड का एरिया, मतलब यहाँ पे सनलाइट नहीं, मतलब हाफ फेस पे सनलाइट बहुत ही अच्छे से आ रही है, हाफ फेस पे सनलाइट अच्छे से नहीं आ रही है क्योंकि वो डार्कनेस वाला एरिया है। तो ये जो इस साइड का है राइट साइड का पार्ट है वो पूरा डार्कनेस वाला एरिया है, वहाँ पे सिर्फ जो चिक से मतलब गाल है थोड़े से वहाँ पे हल्का हल्का लाइट आ रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे, जैसे कि लेफ्ट साइड वाला जो है उससे कितना डार्क है राइट साइड वाला एरिया, तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद। मैं तो मेरा काम ऐसे बताना, आप बाकी आप तो आप जितना कर पाएंगे देख के सीखेंगे, घर पे ट्राई करेंगे, वाटर कलर डेली वर्क करेंगे तो उससे आपको नॉलेज होगा। वैसे भी मतलब मैंने अभी तो बहुत ही ज़्यादा पोर्ट्रेट भी नहीं किए, मतलब होंगे मुश्किल से वाटर कलर होंगे 12-13, बस 10 भी हो सकते, 10 ही हो शायद, तो उतने भी ज़्यादा नहीं है, बट धीरे धीरे करने से आपको आएगा। अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आता है बहुत ही ज़्यादा, कुछ नहीं आता मुझे भी अभी भी देखा जाए तो अभी। फिर देखिए यहाँ पे लाइट वाला एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो ऑकर के साथ में यूज़ कर रहा हूँ, येलो ऑकर नेपल येलो, थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इन सब जगह पे। अब देखिए वहाँ पे वाटर यूज़ करके मैंने उसको स्मच कर दिया हल्का हल्का। अब जो फेस का एकदम लेफ्ट साइड में कॉर्नर का एरिया, वहाँ पे धूप ज़्यादा है, वहाँ पे से कलर्स को थोड़ा सा हटाना होगा। वहाँ पे मैंने वाटर मतलब लिया, ब्रश को ड्राई करके धो के फिर वहाँ से कलर को रिमूव किया थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ऑरेंज स्टोन फेस में दिख रहा है, गाल के यहाँ पे उठा हुआ एरिया है वो, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ, तो वहाँ पे दिखेगा कलर। बाकी जो जहाँ पे लाइट पहुँच के वहाँ पे लाइट है पूरा, तो वहाँ पे कलर्स को आप ज़्यादा नहीं टच करेंगे, वहाँ पे वर्क आपको कम करना है। यह रहता है कि जहाँ पे लाइट ज़्यादा आती है, जहाँ पे मतलब कि हाई लाइट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपको वर्क थोड़े कम करने होते हैं, और जहाँ पे डार्कनेस होती है वर्क वहाँ ज़्यादा होता है थोड़ा। जैसे ऊपर से तो फेस टोन है, मतलब अभी तो पूरा कंप्लीट खाली सिर्फ, यहाँ पे ऑरेंज टोन है। अब ट्रे में भी देखते रहिए कि मैं कलर्स को किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, ये कि थोड़ा सा मेरा हाथ बीच बीच में आ जा रहा है वो कैमरे के एंगल की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी सेटअप मेरे पास अच्छे से मतलब अवेलेबल नहीं है, माइक्स नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे अभी मेरे चैनल्स पे मतलब और भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इजीली नोज कैसे ड्रॉ करने हैं, अलग से वीडियोस आएंगे आईज़ के, फिर लिप्स के, मतलब बियर्ड के, हेयर के। अब देखिए कलर्स को मैं किस तरह कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब ट्रे में पहले तो एक टोन बनाइए, आपको टोन का नॉलेज लेना पड़ेगा कि स्किन टोन्स कैसे कैसे कौन से कलर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, आपको घर पे वो खुद ट्राई करना होगा। अभी देखिए नोज के यहाँ पे ये हाइलाइट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर को यूज़ कर रहा हूँ, फिर वहाँ से रिमूव कर दिया मैंने, फिर एक थोड़ा सा भी फिर देखिए नोज के लेफ्ट के में साइड का जो एरिया है इधर थोड़ा सा मतलब वहाँ पे देखिए कलर को थोड़ा सा येलो कर है, थोड़ा सा हल्का सा बर्न सियाना ऑरेंज, थोड़ा सा बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट। वाटर कलर में आपको वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो आपको मैनेज करना होता है, कि आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उसकी मतलब थिकनेस घटेगी, वो एकदम वाटरी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो वो ओपेक में जाएगा, मतलब फिर। अब वाटर कलर को यूज़ करने के बहुत से अलग अलग टेक्निक है, पैच में आप कर सकते हैं, स्मच करके कर सकते हैं, पूरा वेट टू वेट कर सकते हैं, बहुत ही तरीके से आप इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आर्टिस्टिक, रियलिस्टिक, सब कुछ जो भी आप चाहे। अभी आइज़ के एरिया में देखिए थोड़ा सा डार्कनेस है वहाँ पे, तो मैंने बर्न सियाना से यूज़ किया वहाँ पे डार्कनेस एरिया को दिखाने के लिए, स्कारलेट लेक प्लस उसके साथ में लेफ्ट साइड से पूरी मतलब सनलाइट आ रही है, फिर राइट साइड पूरा डार्कनेस वाला एरिया है, फिर नोज़ में भी आप देखते रहिए, आपको धीरे धीरे नॉलेज होगा।
आपको वर्क करने से ही नॉलेज होगा, यानी कि मैंने आपको बता दिया आप सीख गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद नहीं ट्राई करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ड्राइंग के लिए तो आप पहले बात, तो अगर आप बिगिनर हैं मतलब आप स्टार्ट किए हैं, आपने स्टार्ट किया, तो आप ग्रिड को मत यूज़ कीजिए। अभी नोज़ के यहाँ पे देखिए, मतलब हाईलाइट एक थोड़ा सा डॉट वाइट छूट रहा है वहाँ पे, तो कंप्लीट वाइट नहीं छूटा है, वहाँ पे भी हल्का सा एक पानी का वॉश था, यानी कि मैंने पेपर वहाँ पे पूरा वाइट ब्लैंक छोड़ दिया, वैसा नहीं है। वहाँ पे आपको कम करना है, क्योंकि नाक पे जो नोज़ पे वो हाईलाइट आ रही है थोड़ी सी, और जो पॉइंटेड एरिया है नोज़ का वहाँ पे एकदम ही हाइट लाइट है, थोड़ा सा वाइट डॉट के वाइट डॉट जैसा थोड़ा सा। सो अभी देखिए आप नाक का मतलब जो हाईलाइट आ रही है, फिर उसके जो राइट साइड में जो एरिया नीचे का, तो वह जहाँ पे धूप सनलाइट नहीं आ रही वहाँ पे एकदम ही डार्क एरिया है अचानक से पूरा, मतलब वो देखिए पहले तो डार्क एरियाज के आने से पहले का जो टोन है थोड़ा सा देखिए ऑरेंज, थोड़ा सा बर्नशीना हल्का हल्का जाएगा, फिर अचानक से एक डार्क टोन आएगा पूरा। तो अभी तो नोज का हाईलाइट का एरिया है थोड़ा थोड़ा। आप पहले तो डेली मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अगर आप पेंटिंग मतलब आर्ट लवर हैं या फिर आपको आर्ट अच्छा लगता है, पेंटिंग्स अच्छी लगती करना, तो आपको कुछ ना डेली करते रहना चाहिए। स्केच हो गया, वाटर कलर स्केच हो गया, जो भी है ड्राइंग कीजिए, मतलब घर पे भी आप बैठे तो डेली स्केचेस कीजिए। देखिए अभी धीरे धीरे डार्कनेस वाला जो एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है ना उसका अचानक से, मतलब उसके अपोजिट साइड में राइट साइड में, तो उसके लिए मैं बॉन्ड शीना यूज़ कर रहा हूँ। बॉन्ड शीना स्कारलेट लेक है प्लस ऑरेंज है, पहले तो आप अगर आप स्मच कर रहे हो तो ये नहीं कि उसके अंदर ब्रश में ज़्यादा वाटर लोड नहीं हो रहना चाहिए। वाटर लोड अगर आप जैसे पेंटिंग पे रखेंगे पूरा वाटर स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा आपके मतलब जहाँ पे अपने कलर्स को ड्राई हो चुके हैं वहाँ पे पूरा फैल जाएगा, तो वो आपको मैनेज करके रखना है कि ब्रश में कितना वाटर क्वांटिटी होना चाहिए। आपको रिमूव करना क्लॉथ आप साइड में रखिए, वहाँ पर डेली मतलब ब्रश को ड्राई कीजिए फटाफट, एकदम ड्राई भी नहीं मतलब चलेगा क्योंकि अभी कलर्स को मतलब स्मच करना है। वो नॉलेज आपको बैलेंस मतलब कि कैसे वाटर को मतलब कंट्रोल करना है, क्या करना है, कितना वाटर यूज़ करना है, तो आपको धीरे धीरे वर्क करने पे ही खुद ही नॉलेज होगा। मैंने भी मतलब किसी का देख के उतना सीखा नहीं है, मतलब मैं भी धीरे धीरे करते गया। ये मेरा वाटर कलर में कम से कम वही 8वां 9वां पोर्ट्रेट है खाली, सिर्फ 9वां 10वां। तो देखिए यहाँ पर डार्क टोन में बना रहा हूँ उसके लिए, तो यहाँ पर बॉन्ड शीना प्लस मजिंटा थोड़ा सा यूज़ किया मैंने उसके साथ में, मजिंटा है बॉन्ड शीना है थोड़ा सा, मजिंटा प्लस बॉन्ड शीना डार्क टोन के लिए नोज के जहाँ पे मतलब कि डार्कनेस एरिया डार्क पार्ट है पूरा वहाँ पे। अब ट्रे में देख सकते हैं कि मैंने जो कॉम्बिनेशन जो मैं बना बना के यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं और थोड़ा सा वहाँ पे स्कारलेट लेक भी यूज़ होगा, आपको दिख रहा होगा पूरा रेडिश डार्क पोस्टर रेड टाइप का दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पूरा रेड एकदम डार्क क्रिमजन टाइप का भी धीरे धीरे टोन जा रहा है थोड़ा सा। फिर वो शेडो है जो परछाई है जो आके आ रही है, मतलब अपोजिट साइड में जो नोज की शेडो आ रही है वो है पूरी कंप्लीट शेडो एक है परफेक्ट शेप में। ब्रश को एग्जैक्ट एकदम मतलब नहीं निकालना है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने मतलब किया है वहाँ पे, उसको करके फिर हल्का सा उसके बॉर्डर पे एक थोड़ा सा हल्का सा वेट ब्रश चलाया, फिर सीधे सीधे शेडो है पूरी नोज की कंप्लीट शेडो डार्क टोन पूरा। फेस में वही सीधा सीधा फिर लाइट टोन है तो सिर्फ नेपल येलो, येलो आकर हल्का सा ऑरेंज, फिर अगर अगर थोड़ा चिक्स मतलब पिंकिश दिखते हैं तो वहाँ पे हल्का सा स्कारलेट लेक रहेगा, और मतलब जो टोन रहेगा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वाटरी नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं रहेगा। पहले तो अगर आप वॉश दे रहे हो तो धीरे धीरे वाटर ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे वाटर कम होते जाएगा कलर में, थिकनेस बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। आप देख सकते हैं नोज़ के शेडोज आपको देखिए, आप धीरे धीरे देखिए आप नोज़ जो मतलब है ऐसा लग रहा है धीरे धीरे रियल लग रहा है, जितना आप वर्क करते जाएंगे धीरे धीरे उसमें मतलब कि जो
मतलब क्या बोलते हैं उसमें थोड़ी सी जान, जो पेंटिंग में जान आती है, जो धीरे धीरे मतलब नोज धीरे धीरे रियल लगेंगे आपको अभी। पेंटिंग में ज़्यादा चीज़ यही था आपको ध्यान रखना, लाइट एंड शेड, लाइट एंड डार्कनेस, कहाँ से सनलाइट आ रही है, कहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है, डार्कनेस एरिया है। फिर आपके वर्क में जो फिनिशिंग होती है, अगर रियलिस्टिक है तो फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अगर आर्टिस्टिक है तो आर्टिस्टिक में भी मतलब फिनिशिंग होती है, बट वो आर्टिस्टिक टाइप की होती है। बट कि अगर आप कमीशन वर्क करते हैं तो कमीशन वर्क में सबको ज़्यादातर रियलिस्टिक वर्क पसंद आते हैं, क्योंकि आपको सबको देखा होगा कि वो लोग मतलब कि कस्टमर्स को जितना मतलब कमीशन वर्क में रियलिस्टिक आप बना के देंगे उतना ज़्यादा उन लोग को पसंद आता है। यहाँ पे नीचे का भीड़ का एरिया है, यहाँ पे ऑरेंज टोन मतलब सिर्फ नेपल येलो और येलो ऑकर यूज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लाइट एरिया है। थोड़ा थोड़ा लिप्स के नीचे डक्का डार्क होता है, फिर उससे नीचे आता है, फिर थोड़ा सा लाइट होता है, फिर डार्क होता है। तो आपको पूरा वो फोटो देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, कि मतलब आप उसको सीधा सीधा देख सकते हैं कि कहाँ पर कलर लाइट दिख रहा है, कहाँ पर डार्क दिख रहा है आपको सीधा सीधा। फिर बियर्ड है, फिर देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब अभी मैं बियर्ड मतलब कंप्लीट बियर्ड ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बियर्ड के पीछे का जो स्किन टोन है बियर्ड के पीछे का उसको दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डार्क डार्कनेस एरिया, तो बियर्ड का जो हेयर होते हैं उनके शेडो होते हैं थोड़े थोड़े, तो वहाँ पे मैं अभी बियर्ड का टोन दे रहा हूँ पीछे का स्किन टोन। तो वहाँ पे हल्का हल्का देखिए, थोड़ा कहीं डार्क कहीं लाइट है। लेफ्ट साइड तो मतलब जितने हिस्से रहेंगे वहाँ से पूरी लाइट ही आएगा, फिर राइट साइड में धीरे धीरे जाते जाते वो डार्कनेस आएगी, कलर में थिकनेस आएगी धीरे धीरे, शेडोज़ है पूरे मतलब नोज के, फिर बियर्ड के जो हेयर्स हैं उनके शेडोज़ हैं। यहाँ पे देखिए जो लिप्स के नीचे का जो मतलब जो बियर्ड होता है जो लिप्स के नीचे, तो उसकी शेडो को अभी मैं देखिए मैं कर रहा हूँ, तो उसकी शेडो हल्की सी आई है। देखिए अभी यहाँ पे धीरे धीरे स्किन टोन बियर्ड के नीचे का स्किन टोन कंप्लीट होता जा रहा है धीरे धीरे। ऑलमोस्ट जो मतलब कि लेफ्ट साइड वाला जहाँ से लाइट आ रही है वो पार्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा तो लेफ्ट साइड से कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो अभी राइट साइड में आप देख सकते धीरे धीरे डार्कनेस मतलब है, पूरा फेस में डार्कनेस दिख रही है। तो बियर्ड को मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब जो बियर्ड के नीचे के शेडोज है, बियर्ड के नीचे के पार्ट है जो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे शेडोज को दिखा दे रहे हैं, वहाँ के नीचे के स्किन टोन को अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा शेडो है मतलब अभी तक। तो अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे शेडो जो है मतलब कंप्लीट होने वाली, जो ऑलमोस्ट लगभग मतलब 100% कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रही है। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको इस पोर्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो अभी तो ये वीडियो का मतलब इसका फेस के ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट था ये, तो अभी सेकंड पार्ट जल्दी, सेकंड और थर्ड पार्ट मेरे चैनल पर जल्दी अपलोड हुआ। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको कुछ भी मतलब मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।